ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कारमेरिया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, कारमेरिया में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया, नोटिफिकेशन बेल पुश कर लीजिए ताकि वीडियो साथ के साथ आपके अपडेट आ सके, जो भी हम कारों की न्यूज रिव्यूज या अपडेट्स कुछ भी डाला करते हैं। दोस्तों आज ज्यादा टाइम नहीं खराब करता है, वीडियो लंबा होने की गुंजाइश बन रही है क्योंकि आज हम बात करने लगे टोयोटा की यारिस के बारे में, जो अभी रिसेंटली ऑटो एक्सपो में दिखाई गई थी और उसके वेरिएंट्स वाइज हम आज एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको, और लॉन्च भी तकरीबन नजदीक ही है उसकी, तो इसलिए सारी डिटेल्स तकरीबन हमारे पास है। रेट्स जो उसके प्राइसेस जो हो सकते हैं अंदाजन उसके एक्सपेक्टेड प्राइसेस वो भी हमारे पास है, तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं, ज्यादा समय नहीं खराब करते। दोस्तों यारिस सेडान सी सेगमेंट में आ रही है, जो सीधा मुकाबला जिसका वरना ज्यादा पॉपुलर जो कारें हैं वरना और सिटी, इनसे ज्यादा मुकाबला है। बाकी वेंटो है और दूसरी जो कंपनीज की कारें आ रही हैं उनके साथ भी इसका मुकाबला सीधा सीधा है, और सियाज को जो मतलब मेन हाईलाइट्स जो कारें हैं उनकी कड़ी टक्कर, उनको जो कंपटीशन कारें उनको कड़ी टक्कर देने के लिए आ रही है। इसमें देखिए हम क्या खासियत है, क्या चीजें हैं इसके अंदर। दोस्तों यारिस जो आ रही है, यारिस के अंदर टोयोटा ने जो कमियां थी, जो जिनके लिए ये जानी जाती है वो तो इसमें है ही है, और जिन कमियों के कारण ये पीछे हट जाती थी, गाड़ियां नहीं बिकती थी, वो कमियां सारी इसमें दूर कर दी हैं। कमियां क्या थी, इनका इंटीरियर बहुत बेसिक होता था, फीचर्स नहीं होते थे गाड़ियों में, सेफ्टी पैक ठीक ठाक होता था, तो प्राइस के हिसाब से वो जस्टिफाई भी नहीं होती थी। तो दोस्तों ये चीजें इन्होंने पूरी कर दी है इस गाड़ी के अंदर। दोस्तों हम बात करते हैं बेस मॉडल से शुरू करते हैं, और बेस मॉडल से ही इनके पास एक और खासियत है कि मैनुअल और सीवीटी ट्रांसमिशन यानी ऑटोमेटिक के अंदर सीवीटी ट्रांसमिशन एक बहुत अच्छा विकल्प है, ये बहुत अच्छी चीज इन्होंने चुनी है। सीवीटी ट्रांसमिशन इनका बेस मॉडल से ही शुरू हो रहा है और सारे तकरीबन पैक सारा एक वैल्यू फॉर मनी देखता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं बेस मॉडल से। बेस मॉडल इनका दोस्तों है जे मॉडल, मैनुअल और सीवीटी ऑटोमेटिक दोनों में अवेलेबल होगा, जिसकी शुरुआत कीमत तकरीबन 8,90,000 रुपए से शुरू होगी और 1,00,000 रुपए और महंगी यानी कि 9,90,000 रुपए के करीब सीवीटी अवेलेबल होगा हमें। दोस्तों इसमें हम सेफ्टी की बात करते हैं तो फर्स्ट इन क्लास 7 एयर बैग इसके अंदर आ रहे हैं, जैसे कि इको स्पोर्ट के अंदर या फोर्ड की गाड़ियों के हम कहते थे कि सबसे ज्यादा सेफ गाड़ियां, सबसे ज्यादा एयर बैग उस गाड़ी के अंदर टॉप वेरियंट में दिए जाते हैं, लेकिन इसने उस चीज को पछाड़ दिया। 7 एयर बैग आ रहे हैं, 2 फ्रंट एयर बैग, कर्टन एयर बैग, और जो ड्राइवर साइड है उसकी नी एयर बैग भी इसके अंदर शामिल किया गया है। उसके बाद ABS, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक असिस्ट, ये चीजें शामिल हैं। अगर सेफ्टी या कन्वीनियंस की बात करें तो AC, हीटर, कूल्ड ग्लव बॉक्स, टिल्ट स्टेयरिंग, चारों पावर विंडो, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल OVRM, 60-40 स्लिप सीट्स होंगी इसकी, बॉडी कलर OVRM और डोर हैंडल होंगे, एक डिन का म्यूजिक सिस्टम होगा जिसके अंदर 4 स्पीकर शामिल किए गए हैं, 15 इंच के स्टील व्हील मिलेंगे हमें जो कि कवर के साथ मिलेंगे हमें, जो रिम के जो कवर है वो भी साथ में हमें मिलेंगे। उसके अलावा हमें रियर आर्म रेस्ट भी मिलेगी, LED का एक MID है, जो LCD होगा वो, जो हमें डिस्प्ले दिखाता है डिस्टेंस एम्परी, टायर प्रेशर या टेम्परेचर बाहर का है, जो भी इसके अंदर छोटी मोटी जो आती है वो सारी डिस्प्ले के लिए LCD MID इसमें दी गई है। उसके बाद इको इंडिकेटर आएगा इसके अंदर, कीलेस एंट्री इसके अंदर है, शार्क फिन एंटीना और डे नाइट IVRM इसके अंदर ऑलरेडी फिटेड आएगा। ये हम बेस मॉडल की बात कर रहे हैं। दोस्तों इस हिसाब से देखो तो बेस मॉडल भी बहुत वैल्यू फॉर मनी इसका बन जाता है, बाकी गाड़ी चलाने पर डिपेंड करेगा कि कैसी है गाड़ी। हम इंजन की बात बिल्कुल लास्ट में करते हैं कि इंजन इसका कौन सा आ रहा है इसमें। नेक्स्ट वेरियंट दोस्तों इसमें आ रहा है जी की कीमत इसकी 9,70,000-9,80,000 रुपए करीब हो सकती है, और सीवीटी की इसके अंदर 1,00,000 ऊपर महंगी हो सकती है, जो इसमें सीवीटी गियरबॉक्स आएगा। इसके अंदर क्या अलग आएगा, जो बेस वेरियंट में जो चीजें आई हैं, ये जैसे 7 एयर बैग आ गए, फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियर ड्रम ब्रेक, ये चीजें तो बेस वेरियंट के साथ इनमें आएंगी। उसके बाद एक्स्ट्रा क्या इसमें 1,00,000 रुपए देके हमें मिल रहा है, हम उसकी बात करते हैं। ऑटोमेटिक AC विद रूफ माउंटेड रियर वेंट्स AC के आ जाएंगे हमें इसके साथ, जो एक्स्ट्रा चीज जो मिल रही है और जो बहुत ही कन्वीनियंट चीज को बढ़ा देती है, और कूलिंग अच्छी कर देगी गाड़ी के अंदर। पुश बटन इग्निशन आ जाएगा इसके अंदर, 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हमें मिल जाएगा, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल उसके लिए मिल जाएंगे, फॉग लैंप मिलेंगे हमें फ्रंट और रियर दोनों में, ये
बहुत अच्छी चीजें इन्होंने साथ में से जोड़ दी। रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक हमें मिल जाएंगे, क्रोम फिनिश फ्रंट ग्रिल के ऊपर हमें मिल जाएगी, पावर फोल्डेबल ओवीआरएम विद टर्न इंडिकेटर से जब इसके अंदर इंटीग्रेटेड हो जाएंगे वो जो इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल हो जाएगा, ये चीजें हमें एक्स्ट्रा इस नए वेरिएंट के अंदर मिलेंगी। अब अगला वेरिएंट आ जाता है दोस्तों वी वेरिएंट आ जाता है। वी वेरिएंट की कीमत इससे 1 लाख रुपए, सीबीटी जो इससे जी वेरिएंट था उससे थोड़ा सा महंगा होगा, 1 लाख रुपए और का फर्क आ जाएगा उसमें, यानी कि 10,90,000 रुपए के करीब हमें कीमत इसकी पड़ेगी मैनुअल में और 11,90,000 रुपए के करीब हमें कीमत पड़ेगी सीबीटी गियरबॉक्स में। इसके अंदर दोस्तों क्या और आ जाता है, रियर में भी डिस्क ब्रेक सब शामिल हो जाएंगी, क्रूज कंट्रोल इसके अंदर आ जाएगा, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा, सेंसर तो है ही, अब कैमरा भी साथ में जुड़ गया इसके अंदर, 15 इंच के अलॉय व्हील्स आ जाएंगे और फर्स्ट इन क्लास इसके अंदर एक और फीचर एक आ जाएगा सेफ्टी का, फ्रंट पार्किंग सेंसर भी इसके अंदर शामिल हो जाए ताकि पार्किंग के लिए बहुत अच्छी चीज बन जाएगी, ये फर्स्ट इन क्लास ये फीचर आ रहा है। इसके बाद फॉलो में हेडलैम्प आ जाएंगे, स्पीकर एडिशनल और जुड़ जाएंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। और दोस्तों ये वेरिएंट इसका मैनुअल और ऑटोमेटिक में आ रहा है। इसके बाद ये वी वेरिएंट इसका टॉप वेरिएंट हम मान सकते हैं मैनुअल के लिए, क्योंकि जो इसके बाद वी एक्स वेरिएंट आ रहा है वो सिर्फ सीवीटी में अवेलेबल होगा, मैनुअल में अवेलेबल वो नहीं होगा। उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और क्या कीमत है उसकी उसके बात करते हैं। कीमत उसकी तकरीबन 12,75,000 के करीब हो सकती है और उसके अंदर क्या क्या होगा उसके लिए तो भरमार कर दी उन्होंने, क्योंकि पहले में ही वेरिएंट बहुत ज्यादा फीचर लोडेड आ गए इसके। तो व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम इसके अंदर आ रहा है, हिल होल्ड असिस्टर इसके अंदर आ रहा है, मल्टीमीडिया नेविगेशन इसके अंदर आ जाएगी, पावर जो लेदर सीट्स हैं अपॉल्सरी है वो प्रीमियम हो जाएगी इसके अंदर, एलईडी डीआरएल्स आ जाएंगे, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग प्रोग्राम इसके अंदर आ जाएगा, रियर सनशेड आ जाएगी, 8 तरीके से हम इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल कर सकते हैं अपनी ड्राइवर साइड को, यानी 8 वे एडजस्टेबल सीट हो जाएगी हमारी ड्राइवर साइड की, और क्रोम डोर हैंडल हो जाएंगे इसके। दोस्तों इसकी कीमत 12,75,000 जैसे मैं बता रहा हूँ कि फुल्ली लोडेड जो गाड़ी टॉप वेरिएंट आएगा वो 12,75,000 रुपए एक्स शोरूम होने को उसकी गुंजाइश बन रही है। तो अब दोस्तों इसके अंदर कलर जो से अवेलेबल होंगे हम उसकी भी बात करते हैं। इसके अंदर कलर आएंगे सुपर व्हाइट, फिर पर्ल व्हाइट यानी कि मेटालिक हो जाएगा कलर, फिर एक सिल्वर मेटालिक आएगा, फिर ग्रे मेटालिक, एक वाइल्ड फायर रेड और फैंटम ब्राउन कलर इसके अंदर आएगा। और दोस्तों अब हम इंजन की बात करते हैं, जो इंजन इसके अंदर आएगा, इंजन इसके अंदर आने की उम्मीद है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन इसके अंदर आएगा, जो 4 सिलेंडर इंजन होगा, 110 पीएस की पावर 145 एनएम की टॉर्क के साथ जनरेट करेगा, जो कि इस गाड़ी के लिए इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए बहुत बेहतरीन और बहुत पावरफुल गाड़ी मानी जा सकती है इस सेगमेंट के अंदर ये। और दोस्तों जो इसका गियर बॉक्स है वो 6 स्पीड मैनुअल हो सकता है, हो सकता है कि डेफिनेट है 6 स्पीड मैनुअल आएगा और 7 स्पीड या 7 स्पीड सीवीटी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इसका आएगा। और दोस्तों ये अगर इन चीजों को हम देखें तो ये गाड़ी अच्छी खासी टक्कर देने के लिए आ रही है, जैसे इनोवा इन्होंने पहले बनाई थी, इनोवा का जो बहुत बेसिक सा एक इंटीरियर हुआ करता था उसको एकदम इन्होंने अचंभित कर दिया सबको, इतना बढ़िया इसका इंटीरियर, इतने फीचर लोड करके गाड़ी को बना दिया उन्होंने, और ये यारिस भी कोई दो राय नहीं होगी। बाकी कंपनी के जो इंजन है और रिलायबिलिटी है उसके लिए टोयोटा हमेशा जानी जाती है, अब वरना के लिए भी कड़ी टक्कर आ गई है, सियाज के लिए तो है ही, ऊपर से सिटी होंडा सिटी जो पेट्रोल इंजन के लिए आपकी बहुत जानी जाती है, रिलायबिलिटी के लिए बहुत जानी जाती है, उसके लिए भी कड़ी टक्कर आ गई, क्योंकि ये है ही सिर्फ पेट्रोल इंजन के अंदर आ रही है और सीवीटी उन्होंने बेस वेरियंट से शुरू कर दिया। तो दोस्तों आज मैंने यही जानकारी देने के लिए आपको वीडियो बनाया था, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज वो जरूर बताइए नीचे कमेंट में, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए जिन्होंने सेडान के लिए सोच रहे हैं, और ये एक बेहतर विकल्प मेरे हिसाब से उठ के सामने आएगा जो ये गाड़ी को देखना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो जो नया आएगा उससे आने से पहले तक सीट बेल्ट लगा के आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद।